आई होप आप अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने अपने आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हार्वर्ड और वॉन न्यूमैन के बारे में पढ़ा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। आर्किटेक्चर इन एम्बेडेड सिस्टम, इसमें क्या होगा? अब हमारे पास थोड़े इंस्ट्रक्शंस के हम साइड चलते हैं कि इसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती है, मतलब कैसे इंस्ट्रक्शन, किस इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होती है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो रिड्यूस हो, चाहे वो कैसे इंस्ट्रक्शंस हो, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये इंस्ट्रक्शन बेस्ड आर्किटेक्चर के बारे में हमने जो पहले पढ़ा था वो हमने वो सिस्टम के ऊपर पढ़ा था कि ये क्या है, साइज के ऊपर पढ़ा था जिसमें कुछ कौन सी चीज़ अलग अलग है, कौन सी चीज़ इकट्ठी है, उसके ऊपर हमने पढ़ा था आर्किटेक्चर। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड आर्किटेक्चर, यानी इंस्ट्रक्शन बेस्ड आर्किटेक्चर, कितने साइज उसके अंदर है, कितने इंस्ट्रक्शन उसके अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर यानी माइक्रो प्रोसेसर, अब नाम से मैं पता चले कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। ये एक चिप होती है, इतनी चिप होती है जिसके अंदर सब कुछ होता है, मतलब वो ब्रेन होती है उस चीज़ का, जो सब कुछ उसको कंट्रोल करती है, जिसके अंदर सारा डाटा जाता है, सारा मेमोरी होती है, मतलब एक एम्बेडेड सिस्टम का वो कोर होता है, जो उसका एक तरह से हार्ट या दिल कह लो या इसका ब्रेन कह लो, वो चीज़ इसके होती है। यानी अगर मैं कहूँ मेरे पास ये एक सिस्टम है, इसके अंदर ये एक चिप है यानी माइक्रो प्रोसेसर है, इसके साथ कई सारे इम्पुट आउटपुट पोर्ट्स, पेरिफेरल डिवाइसेस और भी बहुत कुछ इसके साथ कनेक्टेड है, तो वो सिस्टम एक एम्बेडेड डिवाइस बन जाता है, एक प्रैक्टिकल सिस्टम बन जाता है। ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसको भी एक स्पेशल सर्किट के ऊपर हम एम्बेड करते हैं। बस इसका जैसे हमारे पास हमने कई सारे आपने देखा होगा अपने लैपटॉप्स में, ये आपने पीसीज के सीपीयू को खोलोगे, उसमें जो हार्ड मदरबोर्ड होता है उसमें एक छोटी सी चिप लगी होती है, उस चिप का भी आप सर्किट देखना या उसका इसकी पीसी भी देखना, वो कितनी स्पेशल होगी, वही उसी पे हमारी चिप लगी होती है, क्योंकि अगर वैसे लगाओगे एम्बेड करोगे ख़राब हो जाएंगे, चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये तो था हमारे पास कि एक माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। अब बेसिकली ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, मैं इसकी अगर टाइप्स की बात करूँ तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक रिस्क और दूसरा सिस्क, ये दो टाइप्स के होते हैं। अब ये होते क्या हैं, जो रिस्क होते हैं वो होते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, और वहीं पे सिस्क जो होते हैं वो होते हैं इसका उल्टा कॉम्प्लेक्स, बाकी सारा सेम, ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब इनमें डिफरेंस हम देखते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं, मैं बाकी एरियाज कर रहा हूँ। अगर मैं टेबल बनाऊं, एक टेबल बना रहा हूं मैं, इसे लिखता हूं सिस्क, इससे लिखता हूं रिस्क, तो एक तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास डिफरेंस ही आता है इसके फुल फॉर्म कहते हैं, वो सबको पता है, वो हम यहां नहीं लिखेंगे। तो पहले इसका डिफरेंस होता है वो होता है ये सिस्क होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है इंपॉर्टेंस टू हार्डवेयर को, कि मेरा हार्डवेयर सही सलामत हो, वो अच्छा हार्डवेयर होना चाहिए तभी मैं काम करूँगा। इसके ऊपर ये देता है इम्पोर्टेंस टू सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर को इम्पोर्टेंस देता है कि मेरा सॉफ्टवेयर कैसा हो, क्योंकि हम रिड्यूस है, सिंपल है, ज़्यादा इसमें लिमिटेड है, तो ये मैं कह रहा हूँ उसमें ज़्यादा जरूरत है कि सॉफ्टवेयर ठीक है। और सेकेंड जो होता है ये करता है एक्सेस करता है डायरेक्टली टू मेमोरी, ना इधर ना उधर, सीधा मेमोरी के पास जाएगा। और ये इसके अंदर हम लेते हैं रजिस्टर्स, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हम यूज करते हैं, वो जैसे हम जब कोई स्टोर करवाना है, ऐड करवाना है, जैसे मूव ए कॉमा बी या ऐड ए कॉमा बी, वो जाएगा रजिस्टर्स में, रजिस्टर्स ही हम इसमें यूज करते हैं, इसमें से तो मेमोरी जाती है।
अब इसके अंदर लेता ही मैनी मशीन साइकल्स टू एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल मशीन साइकल्स लगता है, लेकिन इधर सिंगल साइकिल, ये सिंगल साइकिल में एग्जीक्यूट करता है, कोई परवाह नहीं है, ना ही कोई बिखेड़ा है, ना ही कोई कुछ है, सिंगल हमने यूज किया बस खत्म। इस चक्कर में हमें जो फोर्थ वन रखता है, इस चक्कर में हमारे पास इसकी जो पाइपलाइनिंग है, पाइपलाइन है वो डिफिकल्ट हो जाती है। पाइपलाइनिंग, पाइपलाइन इज डिफिकल्ट क्योंकि मशीन साइकिल काफी ज्यादा हो रही है, हर कितनी सारी मशीन साइकिल, कभी फैच हो रहा है, पहले फैच हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, उसके साथ ही एक फैच और आ गया, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है इसको संभालना। लेकिन इधर सिंगल साइकिल हो रही है, इसलिए इधर पाइपलाइनिंग, पाइपलाइन इज इजी। ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस है जो मैंने बताया आपको, जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो मेन जिस पर हमारा टॉपिक आता है, मतलब इनके आगे सब टाइप्स जिससे निकल के आते हैं वो, उसके बारे में हम देखेंगे। मैं ये नीचे लिख देता हूँ, जो करंटली हम यूज कर रहे हैं, करंटली टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, कह लो माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, वो हम पांच तरह के यूज करते हैं। एक हो गया आर्म आर्किटेक्चर, दूसरा हो गया x86 आर्किटेक्चर, तीसरा हो गया MIPS आर्किटेक्चर, फोर्थ हो गया PowerPC आर्किटेक्चर, एंड फिफ्थ हो गया SuperEdge। इन सब के जो ब्लॉक डायग्राम है वो आपको एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे, उनकी फोटोज आपके जो है वो आपकी स्क्रीन प्रिंट हो जाएगी। उससे पहले हम इसकी थोड़ी बहुत देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आर्म आर्किटेक्चर के, मैं इरेज करता हूँ, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप इसको पॉज करके ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं आर्म आर्किटेक्चर के बारे में। सबसे पहला आता है मेरे पास आर्म आर्किटेक्चर, और जैसे कि नाम से पता चल रहा है आर्म, इसकी फुल फॉर्म देखे हम ये होती है एडवांस्ड सिस्क मशीन्स, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। इसको एक ब्रिटिश कंपनी ने डेवलप किया था, डेवलप किया उसको बनाया था एक तरह से। तो ये कंपनी क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है लाइसेंस टू अदर मैन्युफैक्चरर्स, मतलब कि ये कंपनी बनाती नहीं है बट दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को लेकर लाया था, लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है कि आप हमारे चिप्स को यूज कीजिए, टू यूज देयर चिप्स या आर्म चिप्स फॉर वेरियस एप्लीकेशन। मतलब जो भी काम कंपनी, कोई भी जो मैन्युफैक्चर जो कर दिए, कोई इसको मैन्युफैक्चर कर दिया आम चिप्स को, वो अपने किसी भी एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकती है, बस प्रोवाइडेड उनके पास आम होल्डिंग्स का या जो ब्रिटिश कंपनी है उनका लाइसेंस होना चाहिए, बस बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये तो था इसके अंदर आम आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ईजी भी एक तरह से याद करना कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कौन सी कंपनी थी, कंपनी का नाम है आर्म्स होल्डिंग,
क्या करती है, लाइसेंस प्रोवाइड करती है, मतलब ये एक तरह से पेरेंट कंपनी है पर ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, ये सिर्फ प्रोवाइड करती है। किस लिए प्रोवाइड करती है? जो अदर मैन्युफैक्चरर्स की, ताकि वो अपने एप्लीकेशन में इन चिप्स को यूज कर सके और उसका प्रॉफिट या कुछ परसेंट का ले सके। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट आर्किटेक्चर जो हमारे पास आता है वो आता है x86 आर्किटेक्चर। x86 आर्किटेक्चर, ये एक सिस्क प्रोसेसर, सिस्क प्रोसेस, सिस्क आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। अब इसको, इसकी जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी है वो है इंटेल। इंटेल ने इसको बनाया था, जो सबसे पहला प्रोसेसर था वो था i8086 प्रोसेसर, और ये 16 बिट का प्रोसेसर था। उसके बाद इसने i80286, i80386, i80486, पेंटिनम एंड अदर प्रोसेसर्स भी निकाले। ठीक है, उसके बाद लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गई थी कि यार ये तो सिर्फ इंटेल ने जो बनाया था उनके उसमें होगा, उनके जो पीसीस में होगा, अगर हम कोई और कंपनी का पीसी लेना हो तो क्या हम क्या करें? तो इस तो हमारे पास आए कंपैटिबल प्रोडक्ट्स, यानी जो इसके प्रोसेसर से था उसका एक कंपैटिबल वर्जन निकला, मतलब उसका लाइट वर्जन कह लो। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एक कैमरा होता है या लेकिन बहुत महंगा कैमरा, तो उसका कोई कंपैटिबल वर्जन नहीं है। तो उस चक्कर में कुछ कंपनी जैसे हमारे पास आ गई साइरेक्स, AMD एंड मैनीमोड, इन्होंने इसका कंपैटिबल वर्जन निकाला, मतलब x86 का कंपैटिबल वर्जन निकाले, जो कि इंटेल ने भी अप्रूव कर दिए। ठीक है, तो उन्होंने अपने निकाले ताकि अपने प्रोडक्ट्स में यूज कर सके, अपने एप्लीकेशंस में यूज कर सके। इसमें भी कुछ टर्म्स आती है, जैसे कि हमारे पास i832, i864 एंड इंटेल 64। ये तीन जो इंटेल ने खासकर निकाले, इनको देखते हुए कंपैटिबल प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड भी होने लगी थी, तो उन्होंने इन तीनों को निकाला जो कि मेन प्रोसेसर थे, मेन प्रोसेसर एज वेल एज कंपैटिबल प्रोसेसर्स भी थे। मतलब कि ये तीनों दोनों भी यूज हो सकते थे, मेन भी थे कंपैटिबल भी थे। कोई कुछ कह ले, कुछ ये हम कहते थे कि ये महंगे थे या फिर ये महंगे थे, तो ये उन्होंने ये निकाल दिए करना प्रॉफिट बने। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अपने टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्किटेक्चर जो हमारे पास आता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे थर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर, यानी MIPS आर्किटेक्चर। MIPS आर्किटेक्चर यानी अगर मैं इसकी फुल फॉर्म देखूं तो यह आता है माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक पाइप स्टेजेस, ये होती थी इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, ये भी अगर हम देखें तो एक देख पता जाए एक सवाल था कि कौन सा प्रोसेसर है। जैसे हमारे पास आम आर्किटेक्चर था x86 आर्किटेक्चर, वो था सिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर, तो ये किस कैटेगरी में आता है? तो ये आता है हमारे पास सिस्क आर्किटेक्चर के अंदर, एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये इसके अंदर आता है, यानी ये इसका दूसरा सब टाइप लगा लो। ठीक है, इसको भी सबसे पहले
एक किसने डेवलप किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको नंबर थर्ड पॉइंट हम जो कहते हैं वो रिसर्च टीम थी ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। लेड बाय प्रोफेसर जॉन एनसी इन 1980s। इन्होंने इसकी डेवलप किया था, डेवलप किया इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी कि अगर हमने जो पहले के आर्किटेक्चर थे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स भी थे एक तरह से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या। तो उन्होंने MIPS आर्किटेक्चर पर रिसर्च की, उसके बाद इसको कमर्शलाइज कर दिया गया। बाय MIPS टेक, मतलब इसी के नाम से एक टेक कंपनी खोली गई, उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया। तो अब इसके अंदर ये चार पॉइंट थे, अब एक पॉइंट और आते हैं। इसकी जो कोर टेक्नोलॉजी थी वो ये थी कि जो भी हमारे पास एक प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसको फुल्ली अपना यूटिलाइज किया जाए। अगर कोई इसकी कमी पेशी रह जाती है तो नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव अपने आप किया जाए। मतलब तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी थी। और साथ ही इसके अंदर, और मैं देख रहा था इसके अंदर, इसके अंदर मल्टीपल इशू क्या था कैपेबिलिटी, मतलब मल्टीपल काम कर सकती थी एक साथ, जैसे हम कहते हैं ना मल्टी टास्किंग होता है, वैसे ही मल्टी इशू कैपेबिलिटी थी। मतलब कोई भी इशू थी, कितनी भी इशूज आ जाए, तीन चार आ जाए, वो आराम से इसको हैंडल कर सकती थी। तो ये तो थी हमारे पास MIPS आर्किटेक्चर के बारे में। बट एक तो इसकी हो सब इसमें बेसिक पॉइंट्स क्या हो गए, एक तो हमारे पास इसके फुल फॉर्म क्या हो गया, एक किस का प्रोसेसर है, एक हमारे पास किसने इसको डेवलप किया, किसने इसके ऊपर रिसर्च की थी, किस बाद में किसने इसको कमर्शलाइज किया था, यानी इसी के नाम से एक टेक कंपनी खोल गई। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आर्किटेक्चर के बारे में चलते हैं। पावर पीसी, पावर पीसी। अब इसके अंदर इसको सबसे पहले इसको भी एक डिराइव किया गया, डिराइव फ्रॉम पावर, ठीक है, जो कि IBM के थे। आई पावर एक सीपीयू का था, एक सीपीयू था एक पावर, पावर सीपीयू, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म थी, जो पावर की फुल फॉर्म थी वो थी अपना परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड विद एनहांस रिस्क। तो ये थी इसकी फुल फॉर्म। बाद में क्या हुआ, आईबीएम से लेकर इंटेल, एप्पल एंड मोटोरोला ने इसको पावर पीसी चिप्स में बदल दिया, ठीक है। मतलब कोई सीपीयू था आईबीएम का जिसका नाम पावर था, उन्होंने उसी के नाम से पावर पीसी चिप्स में को बना दिया। अब इसमें एक चीज आती है, एक टर्म आती है हमारे पास ISA, यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये चीज की वजह से क्या हुआ, हमें कोई लाइसेंस अक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी और कोई भी मैन्युफैक्चरर इस पावर पीसी को की चिप्स को डेवलप कर सकता था। बहुत ही बढ़िया चीज थी। क्या होता है आम प्रोसेस में, जैसे हमने देखा पहले हमने लाइसेंस लिया, कुछ पेमेंट दी, फिर हमने इसको डेवलप किया, लेकिन जो भी कुछ उसका परसेंट था वो हमें देना पड़ा। तो इसमें वो चीज़ नहीं हुई। अब इसके कुछ एप्लीकेशन हम देखते हैं। एप्लीकेशन
इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के प्रोसेस उसके, जैसे कि जैसे हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स में भी इसमें आते हैं, गेमिंग कंसोल। और हमारे पास कम्युनिकेशन सेक्टर में भी इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सेक्टर्स में। एक हाउस होल्ड ले लो, हाउस होल्ड में भी इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, हाउस होल्ड एप्लीकेशन एंड मच मोर। मतलब बहुत इसका एप्लीकेशन वाइड रेंज में है, काफी हर जगह पे इसका हुआ है। तो हम कुछ ही एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ, कई कई बहुत जगह पे है। तो इसका इसका मेन हम देखते हैं किस कहाँ से डेराइव हुआ, बाद में किसने एक्वायर किया। एक टर्म आती थी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जो कि थी कि कोई भी मैन्युफैक्चरर इस चिप्स को डिजाइन कर सकता था, ये नहीं कि किसके ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन हमें एक इजीएस्ट वे मिल गया था। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट आता है वो आता है सुपर एच। लास्ट आर्किटेक्चर हमारे पास आता है सुपर एच आर्किटेक्चर। अब सुपर एच आर्किटेक्चर क्या होता है? ये एक हाईली एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट एम्बेडेड आर्किटेक्चर था। मतलब जितने भी हमने पीछे पढ़े हैं उन सब से ये बहुत बढ़िया था। ये भी एक रिस्क आर्किटेक्चर ही था। मतलब सिर्फ जो हमने पांचों पढ़े हैं, जो हमने पांचों देखे हैं, उनसे सिर्फ एक रिस्क आर्किटेक्चर है, बाकी जो चारों हैं वो रिस्क आर्किटेक्चर है। यानी रिस्क आर्किटेक्चर बहुत अच्छा आर्किटेक्चर माना गया है, उससे ज्यादा कि वो रिड्यूस्ड है, लिमिटेड है और सिंपल आर्किटेक्चर है। अब इसके अंदर इसको डेवलप्ड किसने किया था? डेवलप्ड बाय अपनी इटाची कंपनी ने। उसके बाद लेकिन अब इसको एक्वायर्ड किसने किया था? इसको ओन्ड कह सकते हो, ओन्ड बाय इटाची एंड एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने ओन्ड किया था। लेकिन बाद में इस इनसे भी टेकन ओवर कर लिया था, मतलब इसको टेक ओवर कर लिया था अपनी रेनेस ने। मतलब डेवलप किया, उसके बाद ओन दो लोगों ने किया, फिर किसी तीसरी पार्टी ने आके उसको टेक ओवर कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ हमारे पास आते हैं, कुछ इसके कहते हैं टाइप्स लगा लो, इसके सक्सेसर्स लगा लो, वो मैं बता देता हूँ आपके कुछ कौन से होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं खास। एक होता है ST1, ST2, ST3, सॉरी नॉट ST, सॉरी 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 SH1, SH2, SH3, SHDSP, SH3DSP, और हमारे पास क्या था, बस नहीं आगे भी है, सॉरी SH4, SH5 एंड SHX। ये 8 तरह के हमारे पास इसके अंदर आते हैं आर्किटेक्चर्स के प्रोसेसर आते हैं। जैसे हमारे इंटेल के पेंटिनम आ गया, i88 86 आ गया, 802 286 हमारे प्रोसेसर आ गए। ऐसे ये इसके टाइप्स हैं। और इसके लास्ट पॉइंट जो हमें इसमें आता है, इसके एप्लीकेशंस आता है कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। इसकी एप्लीकेशंस होती हैं प्रिंटर्स, फैक्स, फैक्स मशीन में होती है, मल्टी प्रिंटर में होती है, सॉरी मल्टी मल्टीमीडिया, सीडी रोम, इनमें इसका एप्लीकेशन यूज होती है। वो आगे भी कई सारे मैं 2 दिन आपको लिखवाए हैं, और इसमें बहुत से एप्लीकेशन हैं आपको मिल जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। एक हाईली एफिशिएंट है, मतलब बाकी प्रोसेसर से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है,
कम्पैक्ट है, और ये RISC आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। किसने इसकी डेवलप की, बाद में किसने इन्होंने ओन्ड किया इसको, नॉट डेवलप ने किसने इसको मैन्युफैक्चरिंग करने स्टार्ट कर दी, मतलब ये इसके साथ के पार्टनरशिप में आ गया। उसके बाद इन पूरे इस चिप के ऊपर इस कंपनी ने अपना टेक ओवर ले लिया, कब्जा कर लिया इसके ऊपर। ये इसकी सब सक्सेसर्स आ गए, पहले पहला मॉडल SH1 था, उसके बाद SH2 आया, V3, फिर DSP, V3 DSP, 4-5X ये आ गया। ये इसके कुछ एप्लीकेशन यानी प्रिंटर्स, फैक्स, मल्टीमीडिया, CD-ROM और कई सारे एम्बेडेड डिवाइसेस में इसका यूज होता है। तो ये तो था हमारे पास इस आज के पार्ट में, हमारे पास 5 तरह के एप्लीकेशन जो कि माइक्रोप्रोसेसर के बेस्ड थे। आपको अब जो इसके ब्लॉक डायग्राम है वो आपको आने वाली स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और जो भी आपको कोई डाउट्स है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारे पास एक, मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, हमारे एक फेसबुक पेज है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेक edu.com के नाम से। वो आप जाके इसको लाइक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, अपनी कोई जो भी डाउट्स है उस पर भी दे सकते हैं। दूसरा हमारे टेलीग्राम ग्रुप है टेक edu.com के, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उस पर अभी अपने जो डाउट्स है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उस पर पूछ सकते हैं। तो दो चीज़ें हमारे पास है, दो चीज़ें थी जो इन्फॉर्मेशन देनी थी। दूसरा प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच।